नमस्कार, मैं साक्षी अमिनस न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। अब मोदी का देश के भीतरी मामलों पर रहेगा ज्यादा ध्यान। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार के स्वरूप बनने में अभी कुछ दिनों का वक्त लगेगा, लेकिन सरकार के कामकाज के तौर तरीके को लेकर कुछ बातें सामने आने लगी है। विभिन्न मंत्रालयों के नौकरशाहों को अभी तक जो संदेश दिए गए हैं उससे यह साफ होता है कि मोदी के अगले कार्यकाल में देश के भीतर के मामलों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। पासपोर्ट के नाम पर देश में धोखाधड़ी। पासपोर्ट के नाम पर देश में हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी। भोपाल, पासपोर्ट के नाम पर ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें मिलने के बाद विदेश मंत्रालय खोजबीन में जुट गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों के लोग मिलते जुलते नाम की वेबसाइट के झांसे में आकर पासपोर्ट फीस के नाम पर हजारों रुपए दे बैठे। उन्हें फर्जी अपॉइंटमेंट भी दे दिया गया, लेकिन जब वे पासपोर्ट कार्यालय पहुँचे तो उन्हें अपने ठग जाने की बात पता चली। रोजा इफ्तार पर न बुलाने पर 3 मासूमों की क्रूर हत्या। रोजा इफ्तार में नहीं बुलाने के मामले पर 3 मासूमों की क्रूर हत्या। बुलंदशहर, रोजा इफ्तार पार्टी में न बुलाने से खफा ममेरे भाई ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर 3 मासूमों की अगवा कर गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपितों ने तीनों शव ट्यूबवेल की हौज में फेंक दिए। पीड़ित परिवार की तहरीर पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से हमने सिंधी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।